तो अगर मैं आपसे कहूँ दूसरों की वीडियोस को डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड करके आप अपने चैनल को मोनिटाइज कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर विश्वास नहीं होने वाला है। तो ऐसा ही यह हो रहा है, यूट्यूब के न्यू अपडेट के हिसाब से आप यहाँ पर दूसरों की वीडियो को डाउनलोड करके उसमें थोड़ी बहुत यहाँ पर एडिटिंग करके अपने चैनल पर अपलोड करके यहाँ पर अपने चैनल को आप मोनिटाइज कर सकते हो। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा कॉपी पेस्ट आइडिया शेयर करने वाला हूँ जिसमें आप यहाँ पर दूसरों की वीडियो को डाउनलोड करके बस उसमें मैं जो एडिटिंग बताऊंगा उस एडिटिंग को अप्लाई करके अगर आप अपने चैनल पे वीडियोस को या शॉर्ट्स को अपलोड करते हो तो आपका चैनल यहाँ पर 100% मोनिटाइज होने वाला है और ना इसमें कोई कॉपीराइट आने वाला है और ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आने वाली है। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर आपको 2025 के अंदर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। इस वीडियो में आपको एक धांसू कॉपी पेस्ट आइडिया बताने वाला हूँ जिसमें यहाँ पर अभी के टाइम पर कॉम्पिटिशन बिल्कुल 0 की बराबर है, यहाँ पर ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा तो आपका चैनल जल्दी से ग्रो कर पाएगा और मोनिटाइज भी आप अपने चैनल को जल्दी कर सकते हो। और यहाँ पर यूएसए से आपकी वीडियोस पे व्यूज आएंगे, तो यूएसए से व्यूज आते हैं तो आपकी जो अर्निंग होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है। जो शॉर्ट से आपके पैसे बनते हैं वो इंडिया के मुताबिक यूएसए में 10 गुना यहाँ पर आपके इंक्रीज होने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हम यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वो कॉपी पेस्ट चैनल आइडिया किस प्रकार का है और किस प्रकार की वीडियोस आपको एडिट करके अपने चैनल पे डाउनलोड करके अपलोड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चैनल है बाम्बू आर्ट करके, इसमें सिर्फ यहाँ पर 233 वीडियोस यहाँ पर अपलोड की गई हैं और उन्हीं वीडियो से यहाँ पर इनके 4.53 मिलियन व्यूज सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हो चुके हैं। ये चैनल इतनी ज़्यादा और इतनी जल्दी से ग्रो किया है कि इन्हें अपने 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी बहुत आसानी से कम्प्लीट कर लिए हैं। और आप यहाँ पर व्यूज़ तो चेक कर सकते हो, हर वीडियो में यहाँ पर मिलियन टच व्यूज आते हैं, 677 मिलियन, 310 मिलियन, 190 मिलियन, 104 मिलियन, 103 मिलियन, इतने ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पर इनके चैनल पर आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर व्यूज़ की कमी तो पड़ने वाली नहीं है, आपको यहाँ पर व्यूज़ भी अच्छे खासे मिलने वाले हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बिल्कुल 0 है और ना की बराबर है। तो पहले मैं आपको इनकी वीडियो है उसे प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनकी जो वीडियो है उसे प्ले कर दिया, तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार है आप इनकी वीडियो। तो इनने यहाँ पर कुछ इस प्रकार के यहाँ पर बाम्बू से आर्ट बनाया है और यहाँ पर इनने इसे प्ले कर दिया, कोक की बोतल में मार दिया। तो बस सिंपल सा यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास एडिटिंग भी नहीं है इनके में और यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास इनने वीडियो भी नहीं बनाई है। अब इन्हें आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है और एडिट किस प्रकार करना है वो सब कुछ आपको A to Z प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर इस शॉर्ट को यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो यहाँ दोस्तों मैं यूट्यूब पर आपको नहीं बता सकता कि यूट्यूब की वीडियोज़ को डाउनलोड किस प्रकार करते हैं। अगर मैंने आपको बताया तो यूट्यूब मेरी वीडियो में स्ट्राइक दे देगा और मेरे चैनल को यहाँ पर डिलीट कर देगा। डिस्क्रिप्शन में आपको अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप मेरे टेलीग्राम पर देख सकते हो, वहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करने का फुल तरीका यहाँ पर बताया है। तो वीडियो डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है VN। आप में से बहुत लोगों के पास तो वो एप्लीकेशन होगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके उसे आसानी से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल, यहाँ पर आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैं अपना VN एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ओपन कर लेता हूँ, आपको भी अपना VN ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक प्लस का आइकन दिया गया है, आपको इस प्लस के आइकन पे एक बार क्लिक कर देना। प्लस के आइकन पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस न्यू प्रोजेक्ट पे एक बार क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वीडियो वेस्ट पे सिलेक्ट करके सेव कर देना है। अब सेव करते ही आपको यहाँ पर आपकी गैलरी में रिडायरेक्ट कर लेगा। अब जो वीडियो आपने यूट्यूब से डाउनलोड किया है उसे आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद जो आपकी वीडियो वो यहाँ पर टाइमलाइन में पूरी तरीके से आ चुकी है। अब आपको सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना है, साइड की साइड में यहाँ पर एक बार आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लास्ट में एक आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही होगी, इस ब्लैक स्क्रीन को आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर जो ये लाइन दिख रही है व्हाइट कलर की, इस लाइन को इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर लाना है और यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन दिया गया, इस डिलीट पर क्लिक करके आपको इसको सिंपली डिलीट कर देना है। अब आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर टाइमलाइन में आ चुकी है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर आपको एडिटिंग करनी है, आपको इजी एडिटिंग करनी है और उन इजी एडिटिंग में मैं यहाँ पर कुछ ऐसी सीक्रेट एडिटिंग भी बताने वाला हूँ
जिन एडिटिंग को करते ही आपके चैनल पे यहाँ पर कोई स्ट्राइक नहीं आएगा ना कोई कॉपीराइट क्लेम आने वाला है। तो उस एडिटिंग को बिल्कुल ध्यान से समझो और मैं जो जो बता रहा हूँ आपको वो आप यहाँ पर करो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वहाँ पर जो नीचे टाइमलाइन में जो आपकी वीडियो दिख रही है उस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसे हल्का सा यहाँ पर ऐसे करके मैं जिस प्रकार कर रहा हूँ उस प्रकार थोड़ा सा जूम कर देना है। जूम करने के बाद आप प्ले करके देख सकते हो आपकी वीडियो सही है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। अब आपको सेकेंड काम क्या करना है, यहाँ पर नीचे की साइड में एक फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है आपको, इस फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो फिल्टर अच्छा लगे उस फिल्टर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर A3 एक फिल्टर है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, यहाँ पर 70 रख लेता हूँ, 71। हाँ अब आप देख सकते हो ये वीडियो थोड़ा यहाँ पर चेंज हो गया है। तो हमको बिल्कुल कंटेंट अपना जो चेंज कर देना है ताकि हम यहाँ पर यूट्यूब पर इस वीडियो को अपलोड करें तो हमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देने को पड़े और हमें इसमें थोड़ा अपना कंटेंट भी ऐड करना है। मैं आपको फेस दिखाने का नहीं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर बिना फेस दिखाए भी यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर कुछ इस प्रकार तो इसे कर दिया है, फिल्टर लगा दिया। अब आपको यहाँ पर इसकी स्पीड में थोड़ा बदलाव करना है। स्पीड में बदलाव करने के लिए यहाँ पर एक स्पीड का ऑप्शन दिया है, स्पीड पे क्लिक कर देना। फिर आपको रेगुलर पे क्लिक कर देना। फिर रेगुलर पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिख रहा है, इसे बिल्कुल आपको एक पॉइंट आप बढ़ा सकते हो या एक पॉइंट कम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसे बिल्कुल एक पॉइंट यहाँ पर जो है उसे कम कर दिया है। यहाँ पर आप बढ़ाना हो तो आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट इसे कम कर दिया। अब एक पॉइंट कम करने के बाद आप यहाँ पर जो आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है आप यहाँ पर अपने चैनल का नाम ऐड कर देना। तो चैनल का नाम किस प्रकार ऐड करना है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सेकंड में एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, आपको इस टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। फिर टेक्स्ट पर क्लिक कर देना। फिर ऐड हेडिंग पर क्लिक कर देना है। अब आपके चैनल का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है यहाँ पर टेक सपोर्ट 2.1। आप मेरे चैनल का नाम मत एंटर करना, आपका चैनल का नाम जो भी है वो आपको एंटर कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस टेक्स्ट की यहाँ पर जो इंटेंसिटी है जो इसकी कैपेसिटी है उसे आपको यहाँ पर कम कर देना। तो यहाँ पर मैंने इसकी कैपेसिटी को 70 रख दिया। अब आपको यहाँ पर इसे अपने हिसाब से कहीं वीडियो में पूरी में सेट कर लेना। तो मैं यहाँ पर इसे बॉटम में यहाँ पर टॉप साइड में इसे सेट कर देता हूँ। इसको आपको यहाँ पर पूरी साइड वीडियो में स्क्रॉल करके खींच के रख देना, पूरी वीडियो में आपको इस टेक्स्ट को कर देना है। इसके बाद आपकी वीडियो में देखो आपके चैनल का नाम भी ऐड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर वॉइस ओवर ऐड करना है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप वॉइस ओवर ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पर कॉपीराइट की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपके चैनल पर कॉपीराइट आने का चांस बिल्कुल जीरो हो जाएगा अगर आप वॉइस ओवर ऐड कर सकते हो। अगर आपको अपनी आवाज़ ऐड नहीं करनी तो आप AI से वॉइस ओवर जनरेट करवा सकते हो और वहाँ से इसमें वॉइस ओवर को ऐड कर सकते हो। तो मैं नई यूट्यूब पर काम कर रहे हैं मैं उन्हें तो रिकमेंड नहीं करता हूं कि AI से आप वॉइस ओवर ऐड करो। आप लोगों को सही से भी वॉइस ओवर ऐड करने का नहीं आता होगा, अगर आप सही से ऐड नहीं कर पाओगे तो आपके वीडियो पे यूट्यूब स्ट्राइक दे देगा। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा अगर आप नए हो तो आप अपने खुद से यहाँ पर वॉइस ओवर ऐड करें। वॉइस ओवर किस प्रकार ऐड करना मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा खास वॉइस ओवर ऐड नहीं करना, जो आपको वीडियो में दिख रहा है जो आपके मन में है वो आपको यहाँ पर बोल देना। तो इस पर आपको यहाँ पर एक म्यूज़िक ऑप्शन दिया गया, इस म्यूज़िक पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया, आपको इस रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक बीच में ऑप्शन आ जाएगा रेड कलर का, इस बटन को आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी वीडियो में आपको दिख रहा है जो आपको वीडियो में ऐड करना है वो आपको बोल देना। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो मैं इस रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ टाइम चलने लग जाए 3, 2, 1। दोस्तों ये देखो यहाँ पर ये क्या बना दिया भाई ने, बंदूक बना दी इस बम्बू से भाई यहाँ। अच्छा अरे भाई ये क्या कर दिया भाई, अरे ये रबड़ लगा रहा भाई। अच्छा अभी देखते हैं आगे, देखना क्या होने वाला है अभी। अरे भाई ने ऐसा खींचा, अरे अरे भाई ये क्या हो गया, अरे भाई बोतल फट गई, लाइक करें शेयर करें। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार यहाँ पर अपना वॉइस ओवर है उसे ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर आवाज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना। आवाज़ को यहाँ पर किस प्रकार एडजस्ट करना है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जो वॉइस ओवर अभी आपने ऐड किया उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना और यहाँ पर एक वॉल्यूम का ऑप्शन दिया गया, आपको इस वॉल्यूम पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी वॉल्यूम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो फुल कर देना, कम रखना है तो यहाँ पर आप 70 रख सकते हो, 70, 60।
69। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर वॉइस ओवर ऐड हो चुका है, आपकी वीडियो का यहाँ पर फिल्टर लग चुका है। अब आपको जो छोटी मोटी एडिटिंग आती है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, तो जो भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार की आप यहाँ पर इसमें कर सकते हो और अपना कंटेंट यहाँ पर बिल्कुल चेंज कर देना है। दोस्तों अब हमारी जो वीडियो है वह पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है अपलोड करने के लिए। अब हम यहाँ के लिए यहाँ पर इस जो वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है, अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर एक सेव करने का बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सेव करने की सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपको इसे 4K में सेव करना है, 180 में सेव करना है, वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपको 4K में सेट करना है तो इसे यहाँ पर फुल कर देना, अगर आपको 180p में करना है तो आपको इसे 180 पे क्लिक करके यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। अब आज की इस वीडियो में आपको जो भी कुछ सिखाना चाहता था वो तो आप डेफिनेटली सीख ही गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।